पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हीटर, पाकिस्तान का सबसे स्टाइलिश बैट्समैन, एक टांग उठाकर छक्का मारने वाला सायम अयूब फिर 11 स्कोर पर आउट हो गया। हमने आपसे कल ही कहा था कि अगर तो ये सेंचुरी मार जाता है ना तो हम इसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि मैक्सिमम ये 30 स्कोर तक जाएगा, लेकिन वो 11 स्कोर उसने हमारी भी वो जो प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित की कि कहां 30 स्कोर पर लेकर जा रहे हो, मैं तो 11 स्कोर पर आउट हो जाऊंगा। वहां पर ये 11 स्कोर पर आउट हुआ जहां पाकिस्तान ने 350 से ज्यादा रन मार दिया है दूसरे दिन के इख्तिताम पर, और वो भी अभी सिर्फ 4 विकेटें गिरी हैं। आप इस भाई साहब का इस बात से अंदाजा लगा लें, और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जितने भी 4 आउट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्लॉप ये भाई साहब ही हैं। ऐसे ही नहीं रो रहे कि इसकी सिलेक्शन इसको फिर टीम में लेकर आ रहे हो, इसको एक बार अकल तो आने दो, इसको एक बार डोमेस्टिक तो खेलने दो, एक बार इसे रगड़ा तो खाने दो। बीच में लेकर आ जाते हैं कि जी उमर अमीन को डाल दिया, उमर अमीन ने 177 मारा है डबल सेंचुरी से, वेल डिजर्व डबल सेंचुरी से वो महरूम रहा है। लेकर आ जाते हो जी वो 33 साल का बंदा है, उस पर फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर 33 साल का बंदा 4 साल पाकिस्तान के अच्छे निकाल जाता है तो मसला क्या है? अगर पाकिस्तान के लिए वो अच्छे उसके 177 स्कोर सायम अयूब ने 4 साल लगाने हैं 170 स्कोर बनाने में, तो सायम अयूब से 100 दर्जे बेहतर नहीं है वो? अगर और पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन है जैसे कि हारिस सुहेल है, उठाकर उसे वापस ले आओ, इस सायम अयूब की जगह उसे रिप्लेस करो अगर कोई भी नहीं मिलता तो, नहीं तो और लड़के उठाओ जितने इसे 25 से 30 50 इसे मौके दे चुके हो, इतने किसी और यंगस्टर्स को दो ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। इसने क्या करना है, इसने पीछे क्या उखाड़ा है, इसने आगे क्या उखाड़ना है, कम से कम इसे अकल तो आने दो। ठीक है होगा पावर हीटर, लेकिन एक टांग उठाकर वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते, एक टांग उठाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जाया जाता, एक टांग उठाकर मैच नहीं जीते जाते। आप एक शॉट तो मार लोगे, लेकिन अब वो भी एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरह, वो एक टांग उठाकर मारने वाली शॉट को भी साल गुजर गया, और ज्यादातर होता ये है कि वही शॉट मारने जाता है और कैच आउट होकर वापिस आ जाता है। तो पाकिस्तानी शाहींस ने बांग्लादेशी एक के खिलाफ क्या कमाल की पहले बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और अब बैटिंग परफॉर्मेंस सिर्फ इस एक को निकाल कर। सौश्किल ने भी 50 स्कोर कर दिया, 50 प्लस उसका भी हो गया, और बाकी भी सारे आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो आगे मुस्तकबिल है इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान, हुरैरा ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान के आगे जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं ना सारे सिर्फ इसको निकाल के बाकी सारे अच्छे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए जो वेल डिजर्व है, जिनको बार बार आजमाया जा चुका है उनको मजीद और ना आजमाओ। उन्होंने पहले क्या कर लिया है कि आगे वो करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सोचो और कम से कम इन काली भेड़ों से तो जान छुड़वा लो।